नमस्कार दोस्तों, रेखा बुटीक के चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या लाइक शेयर किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें मार्केट बैग की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट बैग घर से नहीं ले जाते और मार्केट जाने के बाद बहुत सी परेशानियाँ होती है। हमें वजह न होने के कारण भी हमें मार्केट से बैग खरीदनी पड़ती है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, हमारे घर में जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं तो कपड़े का इस्तेमाल करके हम किस तरह से अच्छे से अच्छे बैग मार्केट बैग हम बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बात करेंगे और आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से एक मार्केट बैग या शॉपिंग बैग बनाना सिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी और विस्तार से बताऊँगी टिप्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूँ, मैं इस तरह की मार्केट बैग बनाना सिखाऊँगी। हम ये जो बैग देख रहे हैं हम इससे बड़ी बना सकते हैं या छोटी भी बना सकते हैं। इससे बनाने का आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे। इसका नाप हम लेंगे, अभी इसका नाप है 10 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे थोड़ी बड़ी सिलाएंगे। तो बड़ी सिलाने के लिए अगर आपको आपकी इच्छा अनुसार जिस माप की आपको बैग सिलानी है उसका आप बकरम काट लीजिए और बकरम के नाप का ही आप एक्स्ट्रा कपड़ा काट लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे इस साइज़ की बैग सिलानी है तो मैं इसी साइज़ का आपको मैं बताऊंगी। तो मैंने नाप लिया है बैग का, 15 इंच लंबाई ली है और 10 इंच मैंने ली है चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसी नाप के द्वारा आपको मार्केट बैग बनाना सिखाऊंगी। हम इसी नाप से लेंगे जो हमें फैब्रिक चाहिए सिलाने के लिए। तो हमें जो एक्स्ट्रा आता है एक्स्ट्रा काट लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम डबल पीस में कपड़ा ले रहे हैं और डबल पीस में बकरन भी ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लेती हूँ। और इससे हैंडल हम जब बनाएंगे, ऐसा हैंडल होता है बीच में, इस तरह का हैंडल हम जब बनाएंगे तो हैंडल के लिए किस तरह हमें मार्किंग करनी है आपको बता दूं। ठीक है, जो हमने बकरम का कपड़ा लिया है तो उसे सेंटर निकालेंगे। हमने सेंटर निकाल लिया है इस तरह। अब सेंटर के जो ऊपरी भाग होता है ऊपरी भाग से हम लेंगे 3 इंच नीचे, यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। ठीक है, इस तरह से हम स्क्वायर रेडी करेंगे, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे लेके। ठीक है, अब हम इसे काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम काट लेंगे। अब हम सिलाएंगे, अब इसे हम स्टिचिंग करेंगे, तीनों साइड से स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, जो कपड़ा ये जॉइन जुड़ा हुआ था हम उसे काट लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसे स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, और इसे हम और खूबसूरती के लिए सजाने के लिए हम इसे लेस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम लगाएंगे लेस। ठीक है, अब सिलाना शुरू करते हैं।
सबसे पहले लेंगे हम एक पार्ट, इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब सिलाएंगे हम हैंडल इस तरह से। इस तरह से यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे। अच्छे से यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे, ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे। अब हम चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। उल्टा इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम हमने लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच। इस तरह से
इस तरह से हम लगाएंगे, सामने की बाजू लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से, ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस का लेस लगाना। मुझे एक ही साइड चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क, तैयार हो गए आपकी बैग, देख सकते हैं आप। इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए, आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है इस तरह से। तो देखा दोस्तों, हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब सिलाएंगे हम हैंडल इस तरह से। इस तरह से यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे, अच्छे से यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे,
अब हम चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। उल्टा ऐसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच। इस तरह से इस तरह से हम लगाएंगे सामने की बाजू लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से, ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस से आप लेस लगा सकते हैं। मुझे एक ही साइड चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क। तैयार हो गए आपकी बैग, देख सकते हैं आप। इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए। आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे
सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब सिलाएंगे हम हैंडल इस तरह से। इस तरह से सिलाएंगे। यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे। अच्छे से यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे, ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे। अब हम चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है, उल्टा इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच, इस तरह से। इस तरह से हम लगाएंगे सामने की बाजू, लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से,
ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी साइड से आप लेस लगा सकते हैं। मुझे एक ही साइड चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क, तैयार हो गई आपकी बैग, देख सकते हैं आप। इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए। आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है इस तरह से। तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब बस लाएंगे हम हैंडल इस तरह से। इस तरह से सिलाएंगे। यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे। अच्छे से यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे।
चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। उल्टा ऐसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच। इस तरह से इस तरह से हम लगाएंगे सामने की बाजू लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से, ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस का लेस लगा। मुझे एक ही साइड चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क, तैयार हो गए आपकी बैग, देख सकते हैं आप। इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए। आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो देखा दोस्तों, हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे
सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब सिलाएंगे हम हैंडल इस तरह से। इस तरह से सिलाएंगे। यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे। अच्छे से यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे। अब हम चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है, उल्टा इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच। इस तरह से इस तरह से हम लगाएंगे सामने की बाजू, लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से,
ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस से आप लेस लगा सकते हैं। मुझे एक ही साइड चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है, अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क। तैयार हो गई आपकी बैग, देख सकते हैं आप, इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए। आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो देखा दोस्तों, हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, रेखा बुटीक के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या लाइक शेयर किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें मार्केट बैग की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट बैग घर से नहीं ले जाते और मार्केट जाने के बाद बहुत सी परेशानियाँ होती है। हमें वजह न होने के कारण भी हमें मार्केट से बैग खरीदनी पड़ती है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, हमारे घर में जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं तो कपड़े का इस्तेमाल करके हम किस तरह से अच्छे से अच्छे बैग मार्केट बैग हम बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बात करेंगे और आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से एक मार्केट बैग या शॉपिंग बैग बनाना सिखाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और विस्तार से बताऊंगी टिप्स के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस तरह की मार्केट बैग बनाना सिखाऊंगी। हम ये जो बैग देख रहे हैं हम इससे बड़ी बना सकते हैं या छोटी भी बना सकते हैं। इससे बनाने का आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे। इसका नाप हम लेंगे अभी, इसका नाप है 10 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसे थोड़ी बड़ी सिलाएंगे। तो बड़ी सिलाने के लिए अगर आपको आपकी इच्छा अनुसार जो जिस माप की आपको बैग सिलानी है उसका आप बकरम काट लीजिए और बकरम के नाप का ही आप एक्स्ट्रा कपड़ा काट लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे इस साइज़ की बैग सिलानी है तो मैं इसी साइज़ का आपको मैं बताऊंगी। तो मैंने नाप लिया है बैग का, 15 इंच लंबाई ली है और 10 इंच मैंने ली है चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम इसी नाप के द्वारा आपको मार्केट बैग बनाना सिखाऊंगी। हम इसी नाप से लेंगे जो हमें फैब्रिक चाहिए सिलाने के लिए। तो हमें जो एक्स्ट्रा आता है एक्स्ट्रा काट लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम डबल पीस में कपड़ा ले रहे हैं और डबल पीस में बकरन भी ले रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे एक्स्ट्रा कपड़ा में काट लेती हूँ। और इससे हैंडल हम जब बनाएंगे, ऐसा हैंडल होता है बीच में, इस तरह का हैंडल हम जब बनाएंगे तो हैंडल के लिए किस तरह हमें मार्किंग करनी है आपको बता दूँ। ठीक है, जो हमने बकरम का कपड़ा लिया है तो उसे सेंटर निकालेंगे। हमने सेंटर निकाल लिया है इस तरह। अब सेंटर के जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग से हम लेंगे 3 इंच नीचे, यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। ठीक है, इस तरह से हम स्क्वायर रेडी करेंगे। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे लेके, ठीक है। अब हम इसे काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम काट लेंगे। अब हम सिलाएंगे। अब इसे हम स्टिचिंग करेंगे, तीनों साइड से स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, जो कपड़ा ये जॉइन जुड़ा हुआ था हम उसे काट लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसे स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, और इसे हम और खूबसूरती के लिए सजाने के लिए हम इसे लेस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम लगाएंगे लेस। ठीक है, अब सिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक पार्ट, इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब सिलाएंगे हम हैंडल इस तरह से। यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे। यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। ठीक है, अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे।
अब हम चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। उल्टा ऐसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच। इस तरह से इस तरह से हम लगाएंगे सामने की बाजू लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से, ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस से आप लेस लगा सकते हैं। मुझे एक ही चॉइस चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क, तैयार हो गई आपकी बैग, देख सकते हैं आप। इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए। आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे
सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब सिलाएंगे हम हैंडल इस तरह से। इस तरह से सिलाएंगे। यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे। अच्छे से यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे, ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे। अब हम चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है, उल्टा इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम हमने लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा, इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच। इस तरह से इस तरह से हम लगाएंगे सामने की बाजू, लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से,
ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप लेस लगा। मुझे एक ही चॉइस, चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क। तैयार हो गए आपकी बैग, देख सकते हैं आप। इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए। आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो देखा दोस्तों, हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब सिलाएंगे हम हैंडल इस तरह से। इस तरह से यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे। अच्छे से यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे।
अब हम चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। उल्टा ऐसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच। इस तरह से इस तरह से हम लगाएंगे सामने की बाजू लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से, ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस से आप लेस लगा सकते हैं। मुझे एक ही साइड चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क, तैयार हो गई आपकी बैग, देख सकते हैं आप। इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए। आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है इस तरह से। तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों। इस तरह से हम सिला लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हैंडल सिला लेंगे। इस तरह से हमने नीचे
सीधा कपड़ा लिया है, यहाँ सीधा कपड़ा लिया है नीचे, उसके ऊपर रखा है बकरम। अब सिलाएंगे हम हैंडल इस तरह से। इस तरह से सिलाएंगे। यहाँ जो हमने हैंडल सिलाया है ये कपड़ा हम काट लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम कपड़ा काट लेंगे। अच्छे से यहाँ से इस तरह से कोने छांट लेंगे, ताकि जब हम कपड़ा उल्टा करेंगे तो अच्छे से कोने आ जाए। अब यहाँ से हम ये कपड़ा बाहर निकालेंगे, हैंडल में से ये कपड़ा हम बाहर निकालेंगे, पूरा उल्टा कर लेंगे इस तरह। अभी उल्टा करने के बाद हम प्रेस मशीन लगा देंगे हैंडल के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम प्रेस मशीन लगा देंगे। अब हम चारों बाजू से कपड़े को पूरा स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। उल्टा इस तरह से उल्टा कर लेंगे कपड़ा, और जिस तरह से बकरम हमने लगाया है तो उसी साइड से हम कपड़ा पूरा स्टिच कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद लगाएंगे हम लेस। लेस लगाने के बाद हम जोड़ लेंगे दोनों पार्ट बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह से हमने कपड़ा काट लिया है। अब जो ऊपरी भाग होता है तो उसे हम करेंगे फोल्ड, नीचे की साइड करेंगे फोल्ड आधा इंच। इस तरह से इस तरह से हम लगाएंगे सामने की बाजू लगाएंगे लेस। अगर आप दोनों बाजू लेस लगाना चाहते हैं तो आप दोनों बाजू लेस लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे इस तरह से,
ये तीनों पार्ट हम जोड़ लेंगे, दोनों पार्ट हम ऐसे इस तरह से बराबर लेके जोड़ेंगे। आप अगर एक साइड से लेस लगाना चाहते हैं या दोनों साइड से लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस का लेस लगाना। मुझे एक ही चॉइस चार साइड से लेस लगानी है तो मैंने एक ही सिंगल साइड लेस लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड से लगा सकते हैं। आप इस यहाँ इस कैरी बैग्स लाने के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, कॉटन हो, शिफॉन हो, सिंथेटिक हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट लेंगे, ठीक है। यहाँ कोने को देंगे आप थोड़ा सा मार्क, तैयार हो गई आपकी बैग, देख सकते हैं आप। इसे आप उल्टा कर लीजिए और ये आपकी सुंदर सी बैग बाजार जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अच्छे से कोने निकाल लीजिए। आप अगर इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार आप लेस लगा सकते हैं या आप टच बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे ऐसे रखा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी बैग रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो देखा दोस्तों हमने किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट बैग बनाना सिखा दिया। मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे, नमस्कार दोस्तों।